रानीबाग स्थित एचएमटी घड़ी फैक्ट्री का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी से कारखाने के पूर्व कर्मचारियों ने एक शिष्टमंडल ने उनसे भेंट करते हुए अपनी समस्या से अवगत कराया। कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें वीआरएस के नाम पर प्रबंधन ने ठगा है। एक सर्कुलर निकाले जाने के बाद भी कंपनी के प्रबंधन की ओर से उन्हें न्यूनतम मुआवजा दिया गया है। अब उनके सामने तमाम समस्याएं आ रही हैं। बच्चों की शिक्षा तक के लिए आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। वहीं कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। ऐसे में राज्य के मुखिया पर ही उन्हें भरोसा है। कर्मियों का कहना है कि पूर्व में दिए गए मुआवजे के आधार पर ही उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इधर सीएम धामी ने इस बाबत कर्मचारियों को आश्वासन दिया और कहा कि उद्योग मंत्री से वार्ता करके वो इस समस्या का हल निकालने का प्रयास करेंगे, जिसके बाद कर्मियों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करवाया जाएगा। हमारे साथ जो यहाँ पे जो हम बीआरएस का जो स्कीम थी उसके तहत हमको बिना नोटिस दिए जो बाहर कर दिया गया, 144 लोग हैं उनको जो है बाहर कर दिया गया है, जो कि बिना नोटिस दिए हुए किसी भी कर्मचारी को बाहर नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ के मैनेजमेंट ने हमें इसे एक खाली एक रिक्रूटमेंट करके जो है बाहर कर दिया गया है। ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर में ये साफ साफ कहा गया है कि आपको अगर वीआरएस नहीं लेंगे किसी कारण से, क्योंकि हमारी एज कम थी, बहुत सारे ऐसे समस्याएं थी इसलिए हम उनको एडॉप्ट नहीं कर पाए, लेकिन उनमें ये नियम था कि हमें जो है मैक्सिमम उसमें रिटायरमेंट का कंपनसेशन दिया जाए, लेकिन यहाँ की जो मैनेजमेंट ने जो है हमें सबसे लोअर मिनिमम जो है रिटीच करके जो है कितने कर्मचारी आप लोग हम लोग 144 कर्मचारी हैं। अभी हमारा जो केस है वो अभी न्यायालय उच्च न्यायालय में भी है। 44 जो लोग हैं हम बीआरएस चाहते हैं, जैसे कि पहले लोगों को मिला हुआ है वैसे हम बीआरएस चाहते हैं। सीएम साहब से हमें निवेदन है कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम जो वंचित कर्मचारी हैं उनके साथ न्याय किया जाए, और हमें पूर्ण आशा है कि हमारे जो सीएम साहब हैं वो हमारे इलाके से अच्छी तरह परिचित हैं कि यहाँ बेरोजगारी बहुत है, हमारी समस्याएं बहुत हैं, हमारे बच्चे भी बेरोजगार हैं, इसलिए जिम्मेदारियां बहुत हैं, माता पिता भी हैं साथ में, हम लोगों का भरण पोषण भी नहीं हो पा रहा है, ना कोई मेडिकल सुविधा मिल पा रही है, ना हम कहीं अच्छी जगह इलाज करा पा रहे हैं, ना पेंशन हमें मिल पा रही है, ना हमें पीएफ मिल पा रहा है। तो हमारी 6 साल से यही समस्या है कि हम अपने बच्चों को कोई एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, हमें एजुकेशन लेने के लिए जो है आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, तो हम अपने बच्चों को भी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो हम बहुत दयनीय स्थिति में हैं। हम सभी कर्मचारी आपसे निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो बात जो है मुख्यमंत्री जी को पहुंचाई जाए, और हमारा निवेदन यही है कि हमें जो है पूर्ण में जैसे ही कर्मचारियों को बीआरएस दिया गया था उसी पे जो है उसी डेट में हमें भी दे दिया जाए, लाभ दिया जाए, हम यही चाहते हैं। कुछ कर्मचारियों की मांग भी है यहाँ पर जो बीआरएस मांग रहे हैं और लंबे समय से मांग कर रहे हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। माननीय उद्योग मंत्री जी से मैं बात करूँगा कि उनके लिए क्या हो सकता है, जो भी अच्छा हो सकता है।